छः के छः पॉइंट्स अगर आप देखें, सबसे पहले तो ये देखना है कि सिचुएशन क्या है। एक वो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं सिचुएशन टारगेट प्रपोजल। एक सिंगल पेज पे करते हैं, सिचुएशन ये है कि हमारे जो स्कूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं। वो बेसिकली एजुकेशन तो दे रहे हैं, लेकिन एजुकेशन क्या है, बैकग्राउंड में क्या आ रहा है कि अच्छी एजुकेशन लेकिन अच्छी जॉब, राइट। ये वो बैकग्राउंड में शुरू से ही आ रहा है, और ना तो अच्छी एजुकेशन आ रही है ना तरबियत आ रही है। बच्चा एक जगह पे अगर आप इमेजिन करें 10 साल पढ़ता है स्कूल के अंदाज अगर पर्सपेक्टिव से कहें आप, तो 10 साल पढ़ने के बाद उसको ये नहीं पता चलता कि मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने धोखा नहीं देना, मैंने कमिटमेंट ब्रेक नहीं करनी, तो उसकी क्या वजह है। यू मे हैव सीन दीज थिंग्स इन अदर स्कूल्स। एक्चुअली होता क्या है, वो क्या कहेंगे, ये आज ये चैरिटी वीक है, आज ये पेशेंस वीक है, अब ये वीक मना लिया, ये वीक मना लिया, ये वीक मना लिया, बट यू विल फॉरगेट इट। बच्चा भी जो भूल जाएगा ना, बच्चे को क्या पता चलेगा, एक दिन एक हफ्ते में मनाया, ये एक महीने में किया, लेकिन अगले उसके बाद नो क्वेश्चन अबाउट इट कि भी कैसे हो रहा है। सो व्हाट आर मॉडल इज एक्चुअली इज अ यूनिक थिंग एक्चुअली। ये क्या है, ये है तरबियत एक्चुअली, राइट। तरबियत कैसे हो रही है, करिकुलम तो ये है ही है, जैसे आपने पढ़ना तो है ही है, ऑब्वियसली पढ़ना तो है ही है, लेकिन तरबियत इज मिसिंग ना, जिसको जिसके लिए हम फोकस कर रहे हैं। तरबियत क्या है, ये तरबियत है, राइट। ये तरबियत आ रही है, लेकिन इसमें द ब्यूटी ऑफ इट इज कि ये थ्रू आउट द ईयर चल रहा है। ये ट्रूथ और चैरिटी, पेशेंस, फॉरगिवनेस, कोऑपरेशन, लीडर, ये एक दफा नहीं है, ये दिस इज द मेजर डिफरेंस इन इट। कि वो जो बंदा, जो बच्चा, जो एम्बेसडर बन रहा है, जो कि पूरे साल का एम्बेसडर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है थ्रू आउट द ईयर। अगर जो पेशेंस, अगर ट्रूथ को एक लीड कर रहा है ना बच्चा, वो आपका बच्चा इज एन एग्जाम्पल फॉर सच बोलना, और वो बच्चा पूरी क्लास में पूरे साल में यही कोशिश कर रहा है कि भी मेरी सारी क्लास के बच्चे सच पे आ जाए। ये दैट्स द पॉइंट, अदरवाइज तो वो भूल जाएंगे सारे। वही वाली बात है ना, वीक मना लें। जैसे हम अगर वेस्ट में कहें ना, तो वहाँ क्या होता है जी, मदर्स डे, फादर्स डे, तो जी वो एक दिन में बड़े सारे जाके मिलते हैं, अपनी माँ से मिल लिया, एंड देन यू आर डन। तो मैं जब वहाँ पे था, तो मैं तो अपने ऑफिस वालों को कहता था, जी मैं तो अपनी माँ को रोज़ कॉल करता हूँ, मेरे लिए तो मदर डे इज़ एवरी डे। ये क्या बात हुई कि एक दिन में जाके बात कर ली एंड बस ख़त्म हो गया। ये एवरी डे की प्रैक्टिस है, ये तरबियत यही है। तरबियत कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई अलहदा से सब्जेक्ट नहीं है, इट्स बेसिकली द कोर, द फाउंडेशन ऑफ इट, जिसको कि हमने इनग्रेन करना है बच्चों के अंदर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। अब वेस्ट में ही आप देखें तो वहाँ के बच्चे को कहाँ हम इस्लाम सिखा रहे हैं, लेकिन वहाँ का बच्चा जो है कभी सच झूठ नहीं बोलता, कभी किसी को धोखा नहीं देता, कभी मॉरल वैल्यूज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि उनका सोसाइटी भी ऐसी है। हमें यहाँ पे प्रेशर ये है कि हमारी सोसाइटी कॉन्ट्राडिक्ट करती है जो हम यहाँ टीच करेंगे, राइट। लेकिन यही तो हमारा चैलेंज है, यही तो हमने चैलेंज अपने ऊपर लिया है कि हमने इसको लेना है, एंड वी हैव टू प्रोड्यूस दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो कि जब बाहर जाए तो पता चले कि जी ये इनेबलर से बच्चा आया है एंड ही नोज एवरीथिंग। तरबियत के पर्सपेक्टिव से ही इज़ परफेक्ट इन इट। अच्छा, ये क्या हुआ, करिकुलम में ये क्या आ गई, ये तरबियत आ गई। अभी जो अदर पर्सपेक्टिव हैं, द अदर टू पर्सपेक्टिव विच आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो क्या है, वो दूसरी क्या है, स्किल्स। आप देखें स्किल्स के हिसाब से अगर आप छोटे बच्चे को कहें, तो छोटे बच्चे को क्या स्किल्स कहेंगे, लेकिन होगा क्या, दिस इज़ नॉट बेसिकली अ स्किल, दिस इज़ गोना बी अ माइंड सेट। माइंड सेट क्या होगा, एंटरप्रेन्योर माइंड सेट होता है ना। एंटरप्रेन्योर माइंड सेट कैसे आएगा, जैसे बच्चे को ये पता हो कि विन विन सिचुएशन क्या होती है। जब हम बैठे हों, तब जब हमने मामलात करने हैं, किसी दूसरे के साथ को डील करना है, तो वो कैसे करेंगे कि दोनों सारे लोग सेटिस्फाई हो जाएं, सबको साथ लेके चलना है, किस तरह लेके चलना है, किसी से कोई ट्रांजेक्शन करनी है, कैसे करनी है, वो माइंड सेट है। वो ये माइंड सेट नहीं है कि भाई मैंने उसको ये सिखाएंगे, देखें अगर आपने ये एक एक्स अमाउंट की कोई चीज़ ली है, यू कैन सेल इट ऑन वाई अमाउंट जस्ट टू गेट सम प्रॉफिट आउट ऑफ इट। मतलब छोटे बच्चे का जस्ट माइंड सेट बनाना है ना, कि वो ये ना उसके जहन में बैठा रहे कि मैंने जाके अच्छी एजुकेशन लेके मैंने जॉब ही करनी है। उसके जहन में ये होना चाहिए शुरू से ही कि भी मेरा जो फोकस है टू बेसिकली स्टार्ट अ बिजनेस, टू बी अ एंटरप्रेन्योर। छोटे बच्चे को शुरू से ही हमने ट्रेन करना है ना। एंड द थर्ड पॉइंट इज, वो भी बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है जो कि हाईली मिसिंग, जो कि मैं सोचता हूँ कि इस टाइम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिसिंग है, वो क्या है, वो है रीडिंग। और ये रीडिंग का जो शौक है, ये पाकिस्तान में बहुत कम है। ये तीनों को अगर आप कहें करिकुलम के पर्सपेक्टिव से, तरबियत है, माइंडसेट है, एंड रीडिंग। खैर ये तो इसके साथ नहीं जा रहा,
इसको अगर आप कहें तो ये इसके साथ नहीं जा रहा, ये करिकुलम इसके साथ मैच कर रहा है, लेकिन ये तीनों आगे जो मैच कर रहे हैं ये किसके साथ आ रहे हैं? ये यहाँ पे है स्कूल ऑफ एनेबलर्स, राइट। अब तरबियत रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या कहूँ, रीडिंग का तो शौक होना चाहिए। अब रीडिंग को हमने क्या किया है, रीडिंग को हमने इसमें एज अ सब्जेक्ट नहीं है, दैट्स गोना बी एन ऑप्शनल थिंग। ऑप्शनल थिंग में क्या कर रहे हैं आप, बेसिकली एक बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं कि उसने पढ़ना है। उसको हम क्या कहेंगे कि भाई आपकी ये बुक्स हैं, आप ये बुक्स पढ़ें, इसमें आप जब बुक्स पढ़ लेंगे, एक्स अमाउंट ऑफ बुक्स पढ़ लेंगे तो यू विल गेट अ बैज, एक बैज है ना। अब वो वाई अमाउंट ऑफ बुक्स पढ़ लेंगे तो ये सी बैज है, ये दूसरा बैज है, दैट्स हाउ यू प्रमोट इट एक्चुअली। इससे उनके दरमियान जो मोटिवेशन आएगी, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वही वाली बात है ना कि जब आप किसी को चीज़ दें, कोई इन्फोर्स करें, तो बच्चे नहीं सीखते, कहते नहीं जी इससे हमारे नंबर कम आएंगे। नंबर भी तो बात ही नहीं है, नंबर के ऊपर फोकस नहीं है कि भाई नंबर क्या है, वो तो एक अलहदा से। ये देखें, ये जो करिकुलम चल रहा है ना, करिकुलम के अंदर ये तरबियत का पार्ट तो है, इसके अंदर जो है तालीम का पार्ट तो है ही है, जो वो दूसरी चीज़ें जो भी कर रहे हैं। ऑब्वियसली सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तो वो बन ही रहे हैं ना, लेकिन वो एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें ना, तो एक परसेप्शन होती है, एक मैसेज होता है। जब बच्चा एक क्लास से उठ के जाएगा, क्लास से उठ के 35 मिनट की क्लास, 45 मिनट की क्लास, जब वो वहाँ से उठ के जाएगा तो क्या मैसेज लेगा, वो मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि ये मैसेज जो है थ्रू आउट द ईयर उसको मिल रहा होगा। और उसके साथ साथ जब अगर हम स्किल माइंडसेट बना देंगे उसका, कि हमने जब एक एंटरप्रेन्योर बनना है, जब बड़े होना है, तो उस माइंडसेट के साथ जब वो बड़ा हो रहा होगा अलोंग विद द रीडिंग, जो कि अगर आप देखें वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी चीज़ करनी है, एक वो मज़दूर और एक वो आर्किटेक्ट में, एक इंजीनियर में क्या फ़र्क होता है? मंजूर तो बड़ा काम कर रहा होता है, लेकिन आर्किटेक्ट क्यों ज़बरदस्त होता है? बिकॉज ही हैज़ बीन थ्रू द एजुकेशन साइड। तो वो भी ट्रेंड करना है कि बच्चे को पढ़ने का शौक हो, पढ़ता रहे बच्चा, एंड अच्छी एंड प्रोडक्टिव किस्म की रीडिंग करे। ये नहीं कि वो, ठीक है शौक तो होना चाहिए, शुरू में तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि शौक पैदा हो। वो शौक जब पैदा हो जाएगा तो उसको राइट डायरेक्शन में लेके जाना इट्स वेरी इजी इंशाल्लाह। और उसमें हम पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन चाहिए, आप लोगों का कोऑपरेशन इस वजह से वेरी इंपॉर्टेंट है कि इस काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपके जहनों में ये हो कि हमने कैसी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। आपके जहनों में ये होना चाहिए कि भाई हम जब ये कर रहे हैं तो हमने उसी सारे, ये जो तीन ऑब्जेक्टिव मैंने कहे हैं इनको आपने इन्फोर्स करना है घर पर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वही तो मैंने बताया ना, जैसे वेस्ट में वो आना कि कौन सा इस्लाम सिखा रहे होते हैं, लेकिन क्या हो रहा होता है, उनका बच्चा झूठ नहीं बोल रहा होता, क्योंकि सोसाइटी ऐसी है। उसमें और बड़े प्रॉब्लम है, वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन द पॉइंट इज़ कि कम अज़ कम मॉरल वैल्यूज़ में तो कोई इशू नहीं ना है। तो वो आपको बड़ा ज़्यादा, हमें एक काइंड ऑफ ट्राइंगल जिसे कहते हैं ना कि टीचर्स हैं, बच्चे हैं एंड द पेरेंट्स हैं, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्राइंगल चाहिए जिससे कि हम ये प्रोडक्ट इंशाल्लाह प्रोड्यूस करेंगे। और होपफुली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द एक्सलेंट एंड द सॉलिड प्रोडक्ट फ्रॉम एनेबलर्स इंशाल्लाह। Right? Thank you.